से कभी वो व्यक्ति, एक व्यक्ति गलत होता है ना, तो मतलब उसका संग से भी जजमेंट कर लेते हैं कि हाँ गलत के अगर संग है तो चाहे वो अच्छा भी हो फिर भी उस पर विश्वास इतना नहीं करते क्योंकि संग उसका ऐसा है। तो इसलिए बाबा हमारा कौन सा संग है, सदा बाप का संग, रूहानी संग, आत्माओं का। आत्माओं का संग, रूहानी स्टूडेंट्स का संग, और वैसे भी संग किसका अच्छा करना चाहिए, जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं ना वो ऑलवेज अच्छे समझदार का ही संग करेंगे। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। मीठे बच्चे, एक मन मना भव के महामंत्र से तुम समझदार बनते हो, यही मंत्र सब पापों से मुक्त करने वाला है। यही मंत्र सब पापों से मुक्त करने वाला है। अच्छा, सारा ज्ञान का सार क्या है? और मन मनाभव रहने वालों की निशानी क्या है? सारा ज्ञान का सार क्या है? मैं आत्माओं, बाप को याद करो। और क्यों याद करना है ये भी, अभी इस समय विक्रम विनाश हो गए। अच्छा, और और क्यों याद हमें करना है इस सृष्टि समय? का कल्पांतर हो रहा है, अब सब आत्माओं को घर जाना घर जाना है। मैं कौन, मेरा कौन? सारे ज्ञान का सार है, अब हमको वापस घर जाना है। ये क्यों मैंडेटरी है, चॉइस नहीं है? ये छीछी दुनिया है, इसको छोड़ हमें अपने घर चलना है। अगर ये याद रहे तो भी मन मना भव, मन मना भव रहने वाले बच्चे सदा ज्ञान का विचार सागर मंथन करते रहेंगे। मन मना भव रहने वाले बच्चे सदा ज्ञान का विचार सागर मंथन करते रहेंगे। अच्छा, दीदी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। ठीक से नहीं आ रही, वॉल्यूम लो है। ओके। दूसरा है, दूसरा क्वेश्चन। किस आदत के वशीभूत आत्मा बाप की याद में नहीं रह सकती? किस आदत के वशीभूत आत्मा बाप की याद में नहीं रह सकती? जिसको पर दर्शन पर चिंतन की आदत है, जिनका संग गलत है, गलत संग ये तो के। बहुत आंसर हो सकते हैं। देह अभिमान में रहने वाली आत्मा भी बाबा की याद में नहीं रह सकती। आज बाबा की लहर थोड़ी कभी कभी वाली लहर वाली है। अगर गंदे चित्र देखने की, गंदे समाचार पढ़ने की आदत है तो बाप की याद रह नहीं सकती। और वो कहाँ है, उसका सोर्स सिनेमा है, दोजक का द्वार, दोजक नरक जो वृत्तियों को खराब कर देता है। तो ये आत्मा बाप की याद में रह नहीं सकती। रह कैसे सकते, क्योंकि जिस जिसको देखेंगे सुनेंगे वो कैप्चरिंग हो जाएगा, और जो कैप्चर होगा वो रजिस्टर हो जाएगा और वो याद आता रहेगा। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, समझाना उनको होता है
समझा रहे बाबा? अच्छा, समझाना उनको होता है जिसमें कुछ कम समझ है। तुम अभी बहुत समझदार बन चुके हो, जो समझते हो कि हमारा बेहद का बाप भी है, बेहद की शिक्षा भी देते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज भी समझाते हैं। स्टूडेंट की बुद्धि में नॉलेज होनी चाहिए ना, और फिर बाप साथ में भी जरूर ले जाएगा, क्योंकि बाप जानते कि ये पुरानी छीछी दुनिया है। इस पुरानी दुनिया से मैं बच्चों को घर ले जाने के लिए आया हूँ। बाबा समझाते हैं, यहाँ बैठे बैठे बच्चों के अंदर में जरूर आता होगा, यहाँ बैठे बैठे जरूर आता होगा। क्या बोलो भाई, क्या आता है? हाँ, वापिस घर जाना है। ओहो, सुनो, सामने होता है ना कोई बहुत बड़ा स्टेटस या वैसे सेलिब्रिटी, तो ओहो कहाँ गया, हमें किस, क्योंकि मैं बच्चों को ओहो ये हमारा बेहद का बाप भी है, फिर शिक्षा भी बहुत ऊंची देते हैं, सारी रचना के आदि मध्य अंत का राज भी समझाया है, बेहद का बाप है, कितनी अच्छी अच्छी शिक्षा दे रहा है। ये सब याद करना भी मन मना भव है, यह भी तुम्हारे चार्ट में आ सकता है, यह तो बहुत सहज है, यह तो बहुत सहज है। और भल कुछ भी ना करो, परंतु उठते बैठते चलते फिरते बुद्धि में यह याद रहे। वायुमंडल चीज को याद करना होता है, तुम समझते हो बाबा को याद करने से, पढ़ाई पढ़ने से हम फिर से विश्व का मालिक बनते हैं। ये बुद्धि में चलते रहना चाहिए, भल कहां भी बस ट्रेन आदि में बैठे हो, परंतु बुद्धि में याद हो। पहले पहले तो बच्चों को बाप चाहिए, तुम जानते हो हम आत्माओं का रूहानी बेहद का बाप है। सहज याद दिलाने के लिए बाबा युक्ति बताते हैं, मामे कम याद करो तो आधा कल्प के जो तुम्हारे पुराने कर्म, तुम्हारे विकर्म है, सब योग अग्नि से भस्म हो जाएंगे। जन्म जन्मांतर बहुत ही यज्ञ तप आदि किए हैं, भक्ति मार्ग वालों को पता ही नहीं कि ये सब क्यों करते हैं, क्या मकसद होता है जप तप आदि करने का, नहीं कुछ पता। मोक्ष मिले, बस मतलब नॉट इस जन्म का, वो भी बाद में की बात है, पहले तो ये कामना पूरी हो जाए ज्यादातर। तो उनको पता ही नहीं इनसे क्या प्राप्ति होगी, मंदिरों में जाते हैं, इतनी भक्ति करते हैं, समझते ये सब परंपरा से चला आया है, शास्त्रों के लिए भी कहेंगे कि ये परंपरा से चले आए हैं, परंतु मनुष्य को पता ही नहीं कि स्वर्ग में तो शास्त्र होते ही नहीं, वह समझते सृष्टि के शुरू से ये सब चला आता है, न किसको ये कह सकते कि बेहद का बाप कौन है, यहाँ हद का बाप वहां हद का टीचर तो नहीं है, हद के टीचर से तो तुम सब पढ़े हुए हो, जो पढ़कर ही नौकरी आदि करते हैं, कमाई करते हैं, तुम बच्चे जानते हो ये तो हमारा बेहद का बाप है, उनका कोई भी बाप है नहीं, और ये बेहद का टीचर भी है, इनका कोई टीचर भी नहीं है, इन देवताओं को किसने पढ़ाया, ये तो जरूर आना चाहिए ना, इन देवताओं को किसने पढ़ाया, ये तो आना चाहिए ना, ये भी मन मनाभव है, ये पढ़ाई तो कहां से पढ़े नहीं, बाप स्वयं ही नॉलेजफुल है, इनको किसने पढ़ाया है, क्या शिव बाबा को किसने पढ़ाया है क्या? मनुष्य सृष्टि का वो बीज रूप है और चैतन्य है, ज्ञान का सागर है, कुछ हमको एक घंटा भी बोलना होता है तो, एक घंटा तो छोड़ो, आधा घंटा भी बोलना होता है तो तैयारी करते,
3 मिनट की डिबेट होती है, उसकी भी तैयारी करनी होती है, उसकी तो 6 घंटे की तैयारी होती है। हाँ सबसे, और बाबा को कितना कहना, और फिर पूरी याद प्यार में सारा कुछ कवर कर लिया। इसको किसी ने पढ़ाया है क्या? कुछ भी सामने नहीं होता है। सभी ने देखा है ना अव्यक्त बाप दादा की, शरद भाई ने देखा है अव्यक्त बाप दादा जब मुरली सुनाते हैं, मतलब मुरली जब महावाक्य उच्चारते हैं, मुरली थोड़ी सुनाते हैं, महावाक्य उच्चारते हैं, कुछ भी सामने नहीं है 3 घंटे, और एक वर्ड में भी आई मीन, वो मतलब हम लोग क्या वो उसको आई नो आई मीन और वो नहीं, मतलब मैं, जैसे कोई कोई के कोड वर्ड्स होते हैं, कुछ भी बाबा के कोड वर्ड्स भी नहीं है। शब्दों का प्रवाह, जो भाषा, जो ग्रामर, हाँ ग्रामर, ग्रामर एक्यूरेट, कुछ भी गड़बड़ वाला नहीं है। कि वापस जैसे ना कुछ शब्द को सुधारने के लिए पहले वाले को कभी सबने नोट किया, रिपीट भी नहीं करते कभी बाबा। हाँ तो, और चैतन्य है, ज्ञान का सागर है, तो बाबा इसलिए कहते हैं चैतन्य होने कारण मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का आदि से अंत तक रास सुनाते। चैतन्य होने के कारण पूरे झाड़ का जैसे जो सोर्स है तो वो सुनाएगा ना, जैसे दादा है, मेन है, तो वो पूरा झाड़ के बारे में बताता है ना, क्योंकि चैतन्य है। तो बाबा बीज रूप है, चैतन्य होने के कारण झाड़ के आदि मध्य अंत का सुनाते हैं। तुम आगे चलकर समझ जाएंगे कि अब अंत है, क्योंकि इस समय तुम आगे चलकर समझ जाएंगे कि अब अंत है। अच्छा कब समझ जाएंगे अंत? बड़ा अच्छा बाबा ने आंसर ये दिया। किस तरह के से हम सोचे कि हाँ अब संसार का अंत है, बोलो ना कॉन्फिडेंस। किसको? हमको, लोगों को, वैराग्य, साक्षात्कार, वैराग्य, सब तरफ लड़ाइयां, हमारी कर्मातीत अवस्था, हमारी कर्मातीत स्टेज होने लग जाएगी। जब हमारी कर्मातीत अवस्था होगी तब हमें फील होगा कि ये अंत है। बहुत अच्छा आंसर है। हम सोचते कि जब वो अति होगी तो समझेंगे, जनरली ये एक फीलिंग आती है। हाँ तो उन आत्माओं को लगेगा ये अंत है, देखा ही देगा, तो फिर अच्छा ही नहीं। हाँ मतलब वो आएंगे, वो तो सेवा के लिए आएंगे ना। हाँ तो सेवा के लिए आएंगे, तो अंत में जाकर, हाँ तो बाबा कहते हैं आसार भी देखेंगे, क्योंकि उस समय तुम कर्मातीत अवस्था को पहुंच जाएंगे और आसार भी देखेंगे कि इस पुरानी छीछी दुनिया का विनाश तो होना ही है, ये कोई नई बात नहीं है, अनेक बार देखा है और देखते ही रहेंगे। कल्प पहले राज्य लिया था, फिर गया गवाया, अब फिर ले रहे हैं। बाबा हमको पढ़ाते, तुम समझते हो हम ही विश्व के मालिक थे, फिर 84 जन्म लिए, फिर बाबा विश्व का मालिक बनाने के लिए वही ज्ञान दे रहे हैं। तुम समझते हो बाबा टीचर भी है? अगर अच्छा, अगर बाप याद नहीं पड़ता तो टीचर को याद करो, टीचर कब भूलेगा क्या? टीचर से तो पढ़ते रहते हो। हाँ माया गफलत करते कराती है, वो तुमको पता नहीं पड़ता है, माया आंखों में एकदम धूल डाल देती है। जैसे माया नाक से पकड़ती है, कान से पकड़ती है, नाक फिर और किस तरह काटती है, आंखों में धूल डाल देती है। कैसा ही आंखों में धूल डाल देती है। हाँ दिख, रियलिटी दिख रहा है कि मेरी गलती है, आंखों में धूल डाल दिया, नहीं नहीं ये तो उसने कहा ही ऐसा था।
तो बाबा कहते हैं जब हमको भगवान पढ़ाते ये एकदम भूल जाते, बाप हर बात की समझानी देते, यह है बेहद की समझानी, वह हद की, यह बेहद की नॉलेज बाबा कल्प कल्प तुम बच्चों को देते हैं। अच्छा जास्ती पढ़ नहीं सकते हो तो भला बाबा के रूप से याद करो, उनका कोई बाप है ही नहीं, वह सबका बाप है, परंतु उनके बच्चे सब है। अच्छा कोई बता सकेगा कि शिव बाबा किसका बच्चा है? सब आत्माओं का। क्वेश्चन सुना अच्छे से? क्वेश्चन सुना? आंसर ठीक तो है क्या? मेरा नहीं, आंसर बोला सब आत्माओं का, सब आत्माओं का। क्वेश्चन ही नहीं सुना हमारा बच्चा नहीं, बाबा किसी का बच्चा नहीं, बाबा किसी का बच्चा नहीं है, उसके सारे हम बच्चे। मेरा बच्चा है, वो बेहद का बाप है। आपका बच्चा है ना? हमारा बच्चा देखो वह तो बेहद का बाप है, बच्चे समझते हैं हम बेहद के बाप के बने, आज बाबा बच्चा नहीं है। लहर है नहीं अजम बाबा को बच्चा नहीं बना सकते। देखो बच्चे को ये ले आओ, जब आप हम नहीं लेकर आ सकते या प्लीज आप वाले आओ ये कर लो वो कर लो तो बाबा को ऑर्डर करते हैं ना, बना सकते हैं, प्लीज करो ऐसे बोलते हैं बाबा को। प्लीज नहीं करते हम लोग, प्लीज करता है, प्लीज बाबा ये करो, प्लीज क्यों करना है? नहीं सारे संबंध तो है ना, अपने एक एग्जांपल भी लिया था, एक भाई बहन थे वो डॉक्टर मांग लेते हैं, आज बाबा कह रहे मैं तो बेहद का बाप, यह हमारी पढ़ाई भी वंडरफुल है और हम ब्राह्मण ही पढ़ते हैं, देवता व क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये पढ़ाई नहीं पढ़ सकते, बाप की ये नॉलेज ही बिल्कुल न्यारी है। देखो देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये पढ़ाई नहीं पढ़ सकते, देवता तो पढ़ेंगे नहीं, क्षत्रिय भी है वो पढ़ेंगे क्यों? बाकी समझ गए, समझदार है सभी, बहुत अच्छा। बाप की क्योंकि मैं फर्स्ट इंस्टेंस में पढ़ी तो मुझे लगा नहीं, जो शुद्र क्वालिटी है देवता क्वालिटी, पर बाबा क्वालिटी की बात नहीं कर रही, उस समय की बात कर रही, देवता भी बाबा। बाप की ये नॉलेज ही बिल्कुल न्यारी है, तुम्हारे सिवाय कोई समझ न सके, मतलब ब्राह्मण की फेज में आएंगे तभी पढ़ाई समझ सकेंगे। तुम बच्चों को खुशी का पारा चढ़ता है कि हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बने, अब उच्च पद पाने के लिए खूब पुरुषार्थ करना है, ऐसी नहीं स्वर्ग में तो सब जाएंगे। अगर ज्ञान और योग की धारणा नहीं होगी तो उच्च पद नहीं मिलेगा। बाबा कहते 16 कला संपूर्ण बनने में याद की बहुत मेहनत है, देखना है किसको दुख तो नहीं देते हैं, आज का ये सम्मान है, हम सुखदाता के बच्चे हैं, सुखदेव हूं मैं, सुखदेव हूं सुख देने वाले, सबको सुख देना है, मनसा वाचा कर्मणा किसको दुख नहीं देना है। इस समय तुम जो पढ़ते हो गुलगुल बनते हो, दुख कम देते है, क्या करते है जो संडे की मुरली लेते हैं, लेते बहुत है। तो बाबा कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा किसको दुख नहीं देना है, इस समय तुम जो पढ़ते हो गुलगुल बनते हो, ये कमाई तुम्हारे साथ चलने वाली है, इसमें कोई किताब आदि पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। उस पढ़ाई में कितने किताब आदि पढ़ने पड़ते हैं, ये बाबा की नॉलेज सबसे न्यारी है और बड़ी सहज है, परंतु है सब गुप्त, तुम्हारे सिवाय कोई समझ ही नहीं सके कि ये क्या पढ़ते हैं, मतलब वहां जाते हैं ये लोगों को पता है, वहां पढ़ाई पढ़ते हैं ये पता है, ये स्टडी है, स्कूल है, एग्जामिनेशन है, क्विज है, और क्या होमवर्क, अटेंडेंस,
अटेंडेंस है, हाँ पता है आप सबको, प्रमोद भाई, प्रमोद भाई को तो पता, शरद भाई आपका अटेंडेंस होता है मालूम है, पता भी नहीं पड़ता है, सारे अटेंड, यूनिफॉर्म भी है, हाँ अटेंडेंस होता है रोज, तो हमें पता चलता है। और ये अटेंडेंस मधुबन जाता है रजिस्टर, ये भी पता है, यूनिवर्सिटी है, बाबा देखता है, बाबा दिखता है साथ, हाँ एग्जामिनेशन तो खैर रोज ही होती है, किसी को पता ही नहीं कि हम पढ़ रहे हैं इस समय, तुम जो तो कितने किताब आदि पढ़ने पड़ते हैं, ये बाबा के नॉलेज सबसे न्यारी है और बड़ी सहज भी है, परंतु है सबको वंडरफुल पढ़ाई है, बाप कहते हैं पढ़ाई है, अब देखो अब क्या होना चाहिए, पढ़ाई है, कभी एब्सेंट नहीं होना है, पढ़ाई कभी नहीं छोड़ना, एब्सेंट भी नहीं, छोड़ने की तो बात ही नहीं, बाबा के पास सब रजिस्टर आता है, आज तो अच्छे ही अटेंडेंस हो गई, टचिंग हुई थी सबको, ऑनलाइन कम हो गए, तो बाबा कहते हैं देखो एब्सेंट नहीं होना, उनसे ही बाबा समझ आता है, बाबा के पास सब रजिस्टर आता है, कभी बाबा बोल देते थे अच्छा बच्चे 6 महीने का रजिस्टर ले, वो नहीं किसने कहा मुझे सुनाया, विनी बहनी थे या कौन था, बोला 6 महीने का रजिस्टर लाओ, उनसे ही बाबा समझ जाता है, बाबा रजिस्टर आदि देखते थे, बाबा समझ जाता है कि यह 10 मास एब्सेंट रहा और यह 6 मास रहा, कोई कोई तो वो चलते चलते पढ़ाई भी छोड़ देते, ये बहुत वंडरफुल चीज है, ऐसी वंडरफुल चीज और कोई होती ही नहीं है, कल कल तुम बच्चों को ऐसा बाप आकर मिलता है, तुम बच्चे जानते हो ये साकार बाबा तो पुनर्जन्म में आता है, ये 84 का चक्र खाते है तत्त्वम, ये खेल है ना, देखो भगवान पढ़ाते हैं, कितना प्रूफ है, वो बोलता है कि ये बाबा, नहीं तो वो खुद कह सकते हैं ना, तो ये 84 का चक्र खाते तत्त्वम ही खेल है ना, खेल कभी भूला नहीं जाता है, खेल सदैव याद रहता है, बाबा समझाते, एक तो बच्चे ये दुनिया दोजक है, दोजक नरक, और उस दिन बोला था ना एक स्पेशल वर्ड 3-4 दिन पहले नरक का, विपाक, नहीं नहीं ये नहीं, जीता जागता नरक, बाबा ने 3 दिन पहले की मुरली में बताया था जीता जागता, तो ये दुनिया दोजक है, और उसमें भी खास, नहीं नहीं आज की जो लहर चल रही है ये बाइस्कोप दोजक है, बाइस्कोप मालूम है सबको, जिनको नहीं मालूम है बाइस्कोप सबको पता है ये अच्छी बात है, सिनेमा भी नहीं नेटफ्लिक्स ये बोल, तो उसमें क्या होता है, फिल्म होते सारा सब, हाँ अच्छा सीख पाए, खैर उसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, हमने भी सुना है कभी पता नहीं, अच्छा तो वहां जाने से वृत्तियां बहुत खराब हो जाती है, अखबार में भी कोई अच्छे अच्छे चित्र देखते हैं तो उसमें भी बुद्धि जाती है कि ये खूबसूरत है, इनको प्राइज मिलनी चाहिए, ख्याल चलती है ऐसे देखे ही क्यों, 100% बॉडी कॉन्शियसनेस को करना है और पावरफुल, तो सिनेमा देखो, सिनेमा क्या सीरियल्स भी एज गुड क्या हायर वर्जन ऑफ सिनेमा सीरियल्स तक नहीं है, एड ही काफी है, पिक्चर के लिए फिर भी मेहनत करनी पड़ती है, 2.5 घंटे खत्म हो जाता है, वो सीरियल तो घर में ही रहता है, रोज घर में, तो अब तो क्या सीरियल और सब
जेब में रहता है अभी तक, है ही नहीं। पिक्चर भी तो आजकल घर में देख, सीरियल तो हाँ राइट है, बहुत बड़ा एडिक्शन है। फिल्म का तो चलो फिर भी, लेकिन सीरियल का तो हाँ, कल क्या होगा, अच्छा फिर कल क्या होगा, देखते हैं कोई यहाँ, देखते हैं। अच्छा नहीं दीदी नहीं देखते, ऐसा नहीं, बाबा के सच्चे बच्चे, बाबा का सीरियल देखते हैं, बाबा का सीरियल देखते हैं। बाबा का कौन सा सीरियल है? मुरली, इतना एंटरटेनिंग मुरली होती है, फिर आपको इतना अच्छा कुछ दिखाते रहते हैं, फिर क्या सीरियल देखने की जरूरत। आज दिखेंगे ना, आज नहीं देखना, अगर आज देखते भी ना, ये सब अपनी अपनी डिपेंडेंसी को बढ़ाना, मतलब सीरियल देखना 3 घंटे या 2 घंटे आधा घंटे, मन कंप्लीटली डिपेंडेंट है बाहर के, मींस अपने आप को दूसरे के हाथे हवाले कैसे इजीली करना है, ये है सीरियल देखना। तो बाबा कहते हैं ऐसे देखिए, क्यों बुद्धि से समझते ही सारी दुनिया ही खत्म हो जाने वाली है, तुम सिर्फ मुझे ही याद करो, ऐसी ऐसी चीजें न देखो न ख्याल करो, ये तो पुरानी दुनिया के छीछी गंदे शरीर है, इनके तरफ क्या देखना है, एक बाप को ही देखना है। बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, मंजिल बहुत ऊंची है, माया कोई कम नहीं है, माया का देखो कितना भपका है, उस तरफ है साइंस और यहाँ है तुम्हारी साइलेंस। वो लोग चाहते मुक्ति को पाए, यहाँ तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है जीवन मुक्ति को पाने की, जीवन मुक्ति पाने का कोई रास्ता बता ना सके, सन्यासी आदि कोई भी ये नॉलेज दे ना सके, वो किसको समझा ही नहीं सकते सन्यासी, क्या जीवन मुक्ति नहीं है। गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र बनना है, ये समझा ही नहीं सकते, ये एक ही बाप समझाते, न ताकत है न समझानी है, न बोल सकते हैं, न करा सकते हैं, न कर सकते हैं, तो इसलिए उन्होंने भाग, वो भागे। उनपे तो बहुत दया आती है, कल वो कृष्णा जो ये हरे कृष्णा वाले हैं उनके काफी सीनियर और इतने हाईली एजुकेटेड, सबके सबके कोई हिसाब नहीं है, पर वो 4,30,000 अभी कलयुग पड़ा है और खाली हरे काम। अच्छा ये एक ही बाप समझाते हैं, भक्ति मार्ग में टाइम वेस्ट ही होता आया है, कितनी भूले होती है, भूल करते करते क्या हो गया, भूल करते करते बेसमझ बाबा को ही भूल गए हैं, भोले बन गए, भूल करते करते भोले बन गए। भोला इन द सेंस कि कितने भूल कर रहे हैं इसका ही पता नहीं है, फिर तो एकदम नॉर्मल नॉर्मल वे ऑफ लाइफ, क्रोध क्या है नेचुरल है, काम विकार क्या है नेचुरल है, लोभ वो भी नेचुरल है, भोले भोले बन गए। अब बाबा तुमको समझाते हैं तब तुम समझते हो, अब अभी तुम सब समझ गए हो तो औरों को भी समझाते हो, खुशी का पारा भी तुम्हें चढ़ता है, वंडर है ना, इस बाप को कोई बाप ही नहीं, कोई शिक्षक ही नहीं, अच्छा तब सीखा कहाँ से, मनुष्य वंडर खाएंगे, बहुत समझते इनका जरूर कोई गुरु होगा, अगर यह भी गुरु से सीखा हुआ हो फिर तो गुरु के और भी शिष्य होने चाहिए, अगर शिव बाबा भी किसी से सीखा हुआ होता तो उस समय और भी तो कोई होगा, मिनिमम 1 तो होगा, तो किससे सीखा होगा शिव बाबा भी, अब ये भी सोचने की बात है, शिव बाबा का गुरु कौन, सिर्फ ये एक शिष्य थोड़ा ही होगा, गुरु के तो बहुत शिष्य होते हैं, आगा खा के देखो कितने शिष्य हैं, ये ब्रह्मा बाबा के लिए इशारा, ब्रह्मा बाबा के साथ तो सभी पढ़ ही रहे हैं, नहीं कहां पढ़ रहे हैं उन दिन, अब कर्माती तो नहीं, शिव बाबा और कोई नहीं था नहीं उस समय, सब दादियां भी तो पढ़ रही थी,
दीदी शिव ब्रह्मा बाबा गुरु हो ही नहीं। हाँ इसलिए बाबा कहते यह बाबा भी अगर कोई से पढ़ा होता तो बहुत समझते इनका जरूर कोई गुरु होगा। अगर यह भी गुरु से सीखा हुआ हो फिर गुरु मतलब उस समय जब बाबा बोल रहे थे माध्यम वो था मतलब उस वे से भी ये समझ सकते हैं जो आप कह रहे हैं कि अगर ये किसी से सीखा हुआ है ब्रह्मा बाबा तो उस समय और भी कोई क्योंकि उस समय तो हाँ ये भी राइट गुरु के तो बहुत शिष्य होते आगा खा के देखो कितने शिष्य हैं उनों को गुरु के लिए देखो कितना रिगार्ड रहता है आगा खा के बहुत फेमस है ना उसको कितने तो इसके कंपनीज है आगा खा के उनको हीरो में वजन करते हैं तुम किस में वजन करेंगे बाबा को शिव बाबा को किसमें भी नहीं इनोसेंटली कहते किसी में भी नहीं ऐसे तो किस में वजन करेंगे वो तो हीरो में करते हीरो से आगे कुछ है आत्माओं में ये तो सबसे सुप्रीम है इनका तो वजन ही कितना होगा बाबा कहते मेरा वजन ही नहीं है जो करो अच्छा तुम क्या करेंगे अच्छा वजन करे तो कितना होगा कल की तरह के साकार बोल लिए इंटरेक्टिव वजन करे तो कितना होगा बाबा का मन का वजन कितना है डरी नहीं है दीदी कोई चीज पढ़ सकती है शिव बाबा तो बिंदी है ना आजकल वजन बहुत करते हैं कोई सोने में कोई चांदी में प्लेटिनम में भी करते हैं वो किसी का पड़पोता भी हो जाता है ना वो फिर हाँ सीढ़ी तो चढ़ते वो तो है कई वजन भी करते उतना दान करेंगे फिर कोई ऐसा भी है मतलब शो करना है कि इतना वो है हमारे पास वो सोने से भी महंगा है कोई प्लेटिनम में भी करते हैं सोने से भी महंगा होता है अब आप समझाते वो जिस्मानी गुरु तो तुम्हें सदगति देते नहीं सदगति में ले जाने वाला तो एक ही बाप है अच्छा बच्चे उनको किस में वजन करेंगे एक ही बाप क्या देंगे क्या उसको कितना भी दे दो मतलब जो लेवल को वो देता है वो क्या दे सकते 21 जन्म स्वर्ग मनुष्य तो सिर्फ भगवान भगवान ही कहते रहते हैं लेकिन ये नहीं जानते कि वो बाप है टीचर भी है बैठे कितना साधारण है बच्चों का मुखड़ा देखने के लिए वैसे बाबा कितना साधारण बैठे लेवल में लेकिन बच्चों का मुखड़ा देखने के लिए थोड़ा सा ऊपर बैठते संदली पे बाबा बैठते मददगार बच्चों के बिगैर हम स्थापना कैसे कर सकते अच्छा जो जास्ती मदद करते हैं तो फिर तो उनको जरूर बाबा लव करेंगे बाबा को जास्ती मदद करते तो जरूर जास्ती लव होगा लौकिक में भी एक बच्चा 2000 कमाता दूसरा 1000 कमाता होगा तो बाप का लव किस पर रहेगा मतलब थोड़ा तो इंक्लिनेशन होता है ना कमाता है उस पर परंतु आजकल तो बच्चे पूछते ही बाप को कहाँ है बेहद का बाप भी देखते हैं फलाने फलाने बच्चे बहुत अच्छे मददगार हैं बच्चों को देख देख बाबा हर्षित होते हैं आत्मा खुश होती है ना महिमा कर रहा है बच्चों का बहुत देख देख खुश होता है और वैसे पेरेंट्स को किसको देखकर खुशी होती है पेरेंट्स का वर्ल्ड ही क्या है बच्चे ही तो है ना पेरेंट्स का वर्ल्ड बस तो बाबा भी बच्चों को देख देख कर खुश होते आत्मा खुश होती है कल्प कल्प में आता हूँ और बच्चों को देख बहुत खुश होता हूँ जानता हूँ कल्प कल्प ये हमारी मददगार बनते हैं ये बाबा का प्यार कल्प कल्प का बन जाता है कहाँ भी बैठे हो बुद्धि में यह सोचो बाबा हमारा बाप भी है टीचर भी है गुरु भी है स्वयं ही सब कुछ है तब तो सब उनको ही याद करते हैं सत्युग में कोई याद ही नहीं करेंगे क्योंकि जरूरत ही नहीं इतना कुछ करती नहीं। तो तुमको मिल गया फिर भूल गए ये
सुख में सुमिरन दुख में सुमिरन सब करे, क्योंकि 21 जन्मों के लिए बाप बेड़ा पार कर देते हैं। ऐसे से सिमरण कर बच्चों को हर्षित होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए कि ऐसे बाप की सर्विस करे, बाप का सबको परिचय दे, ये बेहद का बाप है, बाप ही स्वर की स्थापना करते हैं, बाप ही हम सबको साथ ले जाते हैं। ऐसी ऐसी समझानी से सर्वव्यापी कह नहीं सकेंगे। बाप ने कहा है विनाश काले विपरीत बुद्धि विनशन्ति, ये सब खत्म हो जाएंगे, बाकी तुम विजय को पाएंगे। तुम राजधानी स्थापन कर रहे हो, आत्माओं का बाप आत्माओं को बैठ समझाते, तो बच्चे ऐसी ऐसी वंडरफुल बातें सबको सुनानी चाहिए ना। कितनी वंडरफुल बातें थी, बेहद का बाप आते पढ़ाते तो ऐसी सुनानी चाहिए ना। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याचार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा, थैंक यू बाबा, प्यारे बाबा, वाह बाबा वाह। पहला पॉइंट है सुखदाता के हम बच्चे हैं। हमें सबको सुख देना है, सुखदाता के हम बच्चे हैं, हमें सबको सुख देना है। मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख नहीं देना है। मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख नहीं देना है। दूसरा है पढ़ाई और पढ़ाने वाले दोनों ही वंडरफुल है, इसलिए ऐसी वंडरफुल पढ़ाई को कभी भी मिस नहीं करना है। ऐसी वंडरफुल पढ़ाई को कभी भी मिस नहीं करना है, एब्सेंट नहीं होना है। वरदान है सदा हर दिन स्व उत्साह में रहने वाले, स्वउत्साह में रहने और सर्व को उत्साह दिलाने वाले रूहानी सेवाधारी भव। स्नेह की सौगात, ये सौगात देते हैं कि बच्चे हर रोज स्व उत्साह में रहो और सर्व को उत्साह दिलाने का उत्सव मनाओ। इससे संस्कार मिलाने की, संस्कार मिटाने की जो मेहनत करनी पड़ती है वह छूट जाएगी। ये उत्सव सदा मनाओ तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी, फिर समय भी नहीं देना पड़ेगा, शक्तियां भी नहीं लगानी पड़ेगी, खुशी में नाचने उड़ने वाले फरिश्ते बन जाएंगे। उत्साह में काम कम दिखाई देता है, जब बहुत उत्साह होता है ना, कितना सारा भी काम हो, बेटी की शादी करनी है तो उत्साह उत्साह में, इसलिए बाबा कहते हैं मेहनत करनी नहीं पड़ती है। उत्साह कैसे रहे, एंथुजियाज्म, कभी कभी होता है तो चलो उत्साह रहे, रोज ही योग होता है तो क्या एंथुजियाज्म होगा, रोज ही मुरली सुननी तो एंथुजियाज्म हो सकता है नहीं,
हो सकता है कभी होगा हाँ कभी होगा वो सारा अच्छा ये भी है हाँ होते होते नेचुरल नेचर है उत्साह का नेचुरल नेचर है कभी कभी बोर हो जाता है ना रोज रोज करते हैं हाँ संस वन ऑफ द जैसे सुख शांति एक गुण है स्वरूप तो उत्साह भी है हाँ जी एम ऑब्जेक्ट लक्ष्य है तो उत्साह होता है अच्छा अच्छा स्लोगन है ड्रामा के रास को समझ नथिंग न्यू का पाठ पक्का करने वाले ही बेफिक्र बादशाह है ड्रामा के रास को समझ नथिंग न्यू का पाठ करने वाले ही बेफिक्र बादशाह अव्यक्त इशारे है मन को कंट्रोल करने के लिए मन को अर्पण कर दो अर्पण कर पूरा सरेंडर हो जाओ फिर मन से अपने अनुसार संकल्प उठा नहीं सकते जिसने मन भी बाप को दे दिया वह सहज मन मनाभव हो जाएंगे मन मनाभव होने से सहज मोहजीत बन जाएंगे मन को समर्पण करना अर्थात व्यर्थ संकल्प विकल्पों को समर्पण करना मन को समर्पण करना अर्थात व्यर्थ देखो मन को देना मन को अपने संकल्प अपने अनुसार संकल्प नहीं उठाने देना अगर इसको कहेंगे मन समर्पण करना मन से समर्पण करना वो एग्जाम्पल अष्टावक्र का है ना जब लेके गए थे वो उनको राजा जनक को तो फिर उसको उसने बोला मुझे चाहिए सीखना है तो सबसे पहले राजा वो पूरा राज मेरा उसके बाद फिर तुम बाहर निकल जाओ फिर शरीर मेरा तुम अपने अकॉर्डिंग और वो क्या हो गया वो चढ़ रहा था और तो चढ़ने की पोज बोला शरीर मेरा है वहीं के वहीं रुक जाओ घोड़े पे चढ़ता हुआ एक एक पैर ऊपर एक पैर नीचे और तीसरा था फिर बोला एक भी संकल्प नहीं कर सकते क्योंकि मन मेरा तुमने सब कुछ दे दिया बोला यस रेडी फिर उस समय हो गया ब्रह्म ज्ञान जो भी कहते हैं बाबा के ये है तो आज का पुरुषार्थ भी यही है ये है मन मेरा इतनी समर्पित बुद्धि दादियों की ये जो बाइस्कोप के बाद चली ना दादियां कितना ध्यान रखती थी आशा दीदी बताते हैं कि एक बार वो फ्लाइट में दादी प्रकाशमणि दादी और वो चल रहे थे तो दादी पीछे बैठी थी क्योंकि दादी को बड़ा वो चाहिए था ना आराम से ये आगे बैठे थे तो वो मैगजीन का वहां होता है ना वो इन फ्लाइट मैगजीन तो वो उठा के पढ़ने लगे छेद से धक्का आया क्या पढ़ रही हूँ समर्पित रख दिया उसी समय इतना सा भी ये नहीं क्या सोच क्या सुन रही हूँ क्या पढ़ रही हूँ क्या देख रही हूँ बात करते थे ना क्या बात कर रही हूँ समर्पित ऐसे समर्पित फील हो जाएगा क्यों आप क्यों बोलते हो चलो जी तो आज का होमवर्क ये है ओम शांति।